आज का लेक्चर है जो इस पैरेलल बायोफर्टिलाइजर्स में आज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें अपन ने बात किया था कि बायोफर्टिलाइजर्स में उसका टाइप्स देखा था और उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग अपन बैक्टीरिया वाइज स्टडी कर रहे हैं। तो अगला बैक्टीरिया है एजो स्पाइरिलम। एजो स्पाइरिलम क्या होता है? एजो स्पाइरिलम एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें एजो का मतलब है टू, प्रीफिक्स द नाइट्रोजन, टू प्रीफिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फील्ड। मतलब एजो का मतलब है टू प्रीफिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फील्ड। ऐसा ये फ्रेंच का वर्ड है जिसमें माना जाता है कि जो एजो है, एजो का मतलब जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को और फिक्स करता है। इसके बाद है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, उसके शेप को शो आउट करता है। मतलब जो स्पाइरिलम है, स्पाइरिलम का मतलब है स्पाइरल शेप। जो स्पाइरल शेप है बैक्टीरिया के शेप को डिनोट करता है स्पाइरिलम। यानी एजो, एजो का मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला, और स्पाइरिलम का मतलब जो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। ठीक, ये होता है एजो स्पाइरिलम का एक जनरल स्ट्रक्चर या जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के एक जनरल या थोड़ा सा सूक्ष्म हिस्ट्री है उसकी, कि क्या होता है बैक्टीरिया का। सबसे पहले तो सबसे पहले 1925 में बेजिरिंकी ने पहली बार इसको देखा था, वो एजो स्पाइरिलम को पहली बार देखा था। इसके बाद 1970 में इसका डिटेल से स्टडी किया था, और फाइनली 1978 में एक टरांडस साइंटिस्ट हैं, टरांडस और उसका ग्रुप है, इनका ग्रुप है टरांडस एंड हिज कंपनी बोल सकते हैं। टरांडस ने इनके जो बैक्टीरिया है, एजो स्पाइरिलम बैक्टीरिया है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्वालिटी को ऑब्जर्व किया था, और अपनी ये जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में, या उसकी बैक्टीरिया के लिस्ट में पहली बार इसको सेटअप किया था। ठीक है, ये एक जनरल हिस्ट्री है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जिसका जो एजो स्पाइरिलम है, एजो स्पाइरिलम का रोल क्या है। ये एजो स्पाइरिलम मोस्टली आपका जो सीरियल क्रॉप में इसका ज्यादातर मोस्टली पाया जाता है। ऑयल सीड क्रॉप में भी पाया जाता है, वेजिटेबल क्रॉप में भी पाया जाता है, सुगर केन वगैरह में भी इसका ये पाया जाता है। तो जनरली ज्यादा से ज्यादा ये सीरियल क्रॉप्स में पाया जाता है। तो मोस्टली अगर देखा है तो लगभग 114 प्रकार की क्रॉप हैं जिनमें इस प्रकार के बैक्टीरिया का एसोसिएशन देखा गया है, जिसमें लगभग 33 टाइप्स का बैक्टीरिया का स्पीसीज है। इस बैक्टीरिया एजो स्पाइरिलम के बैक्टीरिया का स्पीसीज लगभग 33 टाइप्स का है जो क्रॉप में एसोसिएट रहता है। तो ये बैक्टीरिया है जिसमें जनरल एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस की दृष्टि से, या कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी दृष्टि से हमने इनको ऑब्जर्व किया है। इस टाइप का बैक्टीरिया मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 42 डिग्री 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आसानी से रह सकता है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 से लेकर के 32 डिग्री, या अपन 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बहुत ही अच्छे से ये जर्मिनेट कर सकता है। और वहीं अगर पीएच वैल्यू की बात करें, तो वैसे जो मिनिमम पीएच है लगभग 4.5, और मैक्सिमम पीएच है जो 7.8 है। इस पीएच रेंज पर भी ये आसानी से रह सकता है। लेकिन अगर ऑप्टिमम पीएच की बात करें तो ऑप्टिमम पीएच इसका 7.2 है। 7.2 से लेकर के 7.4 पीएच में ये बेस्ट जर्मिनेट कर सकता है, और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो ये
जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिविंग हैबिटेट्स की जानकारी है जिसमें ये किस टाइप्स में ये रह सकता है। इसके बाद अपन जो स्पाइरिलम है, जो स्पाइरिलम के बैक्टीरिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन है। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब ये बैक्टीरिया है जो माइक्रो माइक्रो एनाइरोबिक माइक्रो एनाइरोबिक होता है। ये एनाइरोबिक का मतलब जानते होंगे कि एक बैक्टीरिया आपके दो टाइप्स का होता है, जिसमें आपका एरोबिक होता है और एनाइरोबिक होता है। एरोबिक का मतलब है कि ऐसा बैक्टीरिया जो अपना लाइफ साइकिल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही चलाता है, और एनारोबिक होता है, एनारोबिक का मतलब है कि जिसमें अपना लाइफ साइकिल ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी चलाता है। लेकिन माइक्रो एनारोबिक क्या है? ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें अपना लाइफ साइकिल, इस टाइप का बैक्टीरिया अपना लाइफ साइकिल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कुछ समय तक ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी अपना लाइफ साइकिल चला सकता है। फिर है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है का मतलब है कि जैसे ऐसे टाइप्स का बैक्टीरिया, जैसे ग्राम बैक्टीरिया है जो कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम निगेटिव होते हैं। तो जो ग्राम जो निगेटिव होते हैं उनके साइज है, बॉडी वॉल है, बैक्टीरिया की बॉडी वॉल है, बैक्टीरिया के साइज है, और उनके कलर्स के हिसाब से ही उनमें डिफरेंशिएशन होता है। तो इस टाइप का बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, जो हम बोल सकते हैं ब्लू टाइप्स के कलर वगैरह इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और थिन जो बैक्टीरियल वॉल सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट रहती है। डायजोट्राप्स का मतलब है कि जैसे डायजोट्राप्स हैं जो मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉयल में फिक्स करते हैं, एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर सॉयल में फिक्स करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बैक्टीरिया को हम डायजोट्राप्स बैक्टीरिया बोलते हैं। स्पाइरल शेप होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं इस टाइप के जो एजो स्पाइरलम बैक्टीरिया है, एजो स्पाइरलम बैक्टीरिया ये स्पाइरल शेप में होता है। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब ये बैक्टीरिया एजो स्पाइरलम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कुछ कंडीशन में ये पहले एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब है कि ऐसे टाइप्स का उनका लिविंग हैबिटेट्स जिसमें वो अपना फूड मटेरियल्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रखता है। यानी ऐसा सिम्बायोटिक का मतलब है कि जैसे अपना जो फूड मटेरियल्स लेता है वो किसी और से ऑब्जर्व करता है, और किसी और का फूड में जो प्लांट्स होता है या लिविंग को भी एनिमल्स वगैरह भी हो सकता है, उसका लाइफ साइकिल इस बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन को सिम्बायोटिक हैबिट्स बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन इस जो इस पैरिलम में कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जो नॉन सिम्बायोटिक की कंडीशन में भी ये लाइव रहता है। जैसे मतलब इस टाइप्स के बैक्टीरिया क्या करता है कि जो अपना जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को देता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि ये जो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, लेकिन उस प्लांट से किसी भी तरीके का कोई भी इसको बेनिफिट नहीं होता है। तो ये सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक दोनों की कंडीशन में हो सकता है। फिर है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। आप जो फ्री लिविंग का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो सोयल में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और इट कैन मे बी मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। मतलब ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र होता है कि ये जब भी किसी भी जगह पर जब प्रेजेंट रहता है तो ये मूव कर सकता है, किसी भी जगह जा सकता है, किसी और प्लांट पर भी ये अपना लाइफ साइकिल चला सकता है। और ये इसकी कंडीशन होती है हेटरोट्रॉफिक कंडीशन। हेटरोट्रॉफिक कंडीशन होती है, मतलब ये अपना ये किसी एक प्लांट पर एसोसिएट रहता है, लेकिन ये स्वतंत्र है कि किसी और प्लांट पर भी जा करके अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए स्वतंत्र है, किसी और भी प्लांट पर जा करके अपना लाइफ साइकिल चला सकता है। ये होता है हेटरोट्रॉफिक का कंडीशन। फ्लेजिलम, फ्लेजिलम का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इसके बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, या इस बैक्टीरिया में इसके जो फ्लैजिलम्स प्रेजेंट रहते हैं, इसके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में इसके
फ्लैजिलम प्रेजेंट रहते हैं। ये बैक्टीरिया इस फ्लैजिलम के जरिए ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ से ये मूव कर सकता है, ये स्वतंत्र है, इसमें काफी सारे फ्लैजिलम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें माइक्रो एनारोबिक होता है, ग्राम निगेटिव होते हैं, डायजोट्रॉपिक्स होता है और स्पाइरल शेप का होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, सिम्बायोटिक और कुछ कंडीशन में, नॉन सिम्बायोटिक की कंडीशन में भी रहता है, फ्री लिविंग है, फ्लैजिलम है और हेटरोट्रॉपिक है। जिसमें हेटरोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक का मतलब है कि ये अपना किसी एक प्लांट में तो लाइफ साइकिल चला ही रहा है, लेकिन ये स्वतंत्र है, किसी और प्लांट पर भी जाकर के अपना लाइफ साइकिल चला सकता है। जैसे राइजोबियम में क्या होता था कि राइजोबियम में राइजोबियम का जो बैक्टीरिया है केवल एक ही टाइप के प्लांट में हमेशा एसोसिएट रहता है, जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप में, किसी भी एक क्रॉप में हो गया तो उसी में ये फिक्स रहता है। इसके बाद ये एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस क्या है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जब ये सॉयल में प्रेजेंट रहता है, ये सॉयल का लेयर है, इस सॉयल में ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और जब भी आपने कोई भी क्रॉप लगाया, अपने सीरियल्स में अपने व्हीट लगाया, अब बार्ले लगाए हैं, मेज लगाए हैं, जो भी राइस लगाए हैं, कोई सा भी आपने क्रॉप लगाया हुआ है, और सभी क्रॉप का अलग अलग स्पीसीज होता है, सभी क्रॉप में अलग अलग टाइप्स का स्पीसीज प्रेजेंट रहता है इस बैक्टीरिया का, तो आपने जो भी क्रॉप लगाया हुआ है वो क्रॉप आपके इस जहां पर जब ये जर्मिनेट करती है और जर्मिनेट करने के बाद उसके रूट का डेवलपमेंट होता है, तो सॉयल में वो डेवलप होती है, उसकी रूट्स डेवलप होती है, वहीं पर आसपास ही, मान लीजिए ये आपका रूट्स है और ये आपका रूट्स हेयर है, रूट्स हेयर के यहाँ पे आसपास इस टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो अब देखिए ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसे मान लीजिए कोई सा भी पहले से आपका ह्यूमस या आपका लिप्स वगैरह पड़ा हुआ है, तो जब इस ह्यूमस का, चूंकि ये जो डिकम्पोज होता है, पहले से डिकम्पोज होता है, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपका नॉन फर्मेंटेटिव टाइप का भी होता है, नॉन फर्मेंटेटिव भी होता है, जिसमें ये फर्मेंटेशन में इसका कोई रोल नहीं रहता है, एजो स्पाइरिलम का नॉन फर्मेंटेटिव होता है, एजो स्पाइरिलम का फर्मेंटेशन में कोई रोल नहीं रहता। तो ये जो जो पहले से ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं सोयल में, उस ह्यूमस में ह्यूमिफिकेशन होता है, और ह्यूमिफिकेशन करने के बाद उसमें लिग्निक एसिड, एमिनो एसिड या बहुत सारे ऐसे टाइप्स का भी फूड मटेरियल सेक्रेट होता है, सेक्रेट होने के बाद उस सोयल में फिक्स होता है, और इसी को ही ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं और अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं। लाइफ साइकिल चलाते हैं, जब ये लिव रहते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट करता है अमोनिया में। इसमें आपके राइजोबियम में क्या था, राइजोबियम में आपकी जो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन को फिक्स करता था और फिक्स करने ये एब्जॉर्ब करता था, ये बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता था, और डायरेक्टली उसमें रूट नोड्यूल बनते थे और डायरेक्टली प्लांट के लिए बेनिफिट होता था। लेकिन एजो स्पाइरिलम है, एजो स्पाइरिलम आपका बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और सॉइल में फिक्स करता है। तो अगर हम देखें तो लगभग 20 किलोग्राम से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर एनम 20 से 40 किलोग्राम का नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रत्येक साल में, इतनी नाइट्रोजन इस टाइप के बैक्टीरिया फिक्स कर देते हैं। तो ये रहा एग्रीकल्चर का एक जनरल इंपॉर्टेंस। लेकिन ये बैक्टीरिया है जो एजा स्पाइरिलम, इन इन सब चीजों के साथ साथ ही कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है, जैसे नाइट्रोजन को तो फिक्स ही करता है, नाइट्रोजन के फिक्स करने के साथ साथ में ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके सोयल में प्रेजेंट करता है। दूसरा टाइप का बैक्टीरिया, ये दूसरा टाइप का जो वर्क है, जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्लांट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, जैसे ये जब बैक्टीरिया जब सॉइल जब रूट्स में प्रेजेंट रहता है, ये रूट्स है, रूट्स सॉइल में प्रेजेंट रहती है, रूट्स के आसपास ही एसोसिएट रहता है जो स्पाइरिलम, ये एजो स्पाइरिलम जब कुछ जब ह्यूमिफिकेशन होता है उससे काफी टाइप्स के फूड मटेरियल्स सेक्रेट होते हैं, उनको ये रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स को ये जो कुछ जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है,
इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, इन सब चीजों को ये प्रमोट करता है ये बैक्टीरिया। इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, इस टाइप के कुछ एसिड्स हैं जिनको ये प्रमोट करता है। और प्रमोट करता है जब ये जब ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, सेक्रेट करेगा और कुछ को कन्वर्ट करता है, तो जब ये कन्वर्ट करेगा तो डायरेक्टली जो रूट जोन होता है, रूट जोन को बेनिफिट होता है। तो ये क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इस टाइप के जो ये जो बैक्टीरिया है तो प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। फिर है जैसे प्लांट पैथोजन, जैसे क्या होता है कि कुछ जो प्लांट्स के पैथोजन्स वगैरह होते हैं, जैसे क्या होता है कभी कभी ना कुछ प्लांट्स में कुछ डिजीज वगैरह का अटैक होने लगता है। तो जब डिजीज का अटैक होने लगता है तो उसके जो पैथोजन्स है, पैथोजन जर्मिनेट करते हैं और डेवलप इनका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये बैक्टीरिया जो प्लांट्स के पैथोजन्स है, प्लांट के पैथोजन्स के डेवलपमेंट को कुछ हद तक ब्रेक लगाने की कोशिश करता है और उनको उससे जो पैथोजन्स होते हैं, पैथोजन से लड़ने की क्षमता देता है। तो कुछ समय तक ये उनमें एंटी पैथोजन के रूप में या एंटी टॉक्सिक एंटी पैथोजन्स के रूप में काम करता है। फिर है एंटी टॉक्सिक। एंटी टॉक्सिक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी काफी सारा केमिकल्स वगैरह हम लोग फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, तो जब काफी केमिकल फील्ड में अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद उसमें उसका जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक प्लांट में जाता है और प्लांट से जाकर के जो उसका फ्रूट्स डेवलपमेंट होगा उसके फ्रूट्स में जाएगा और फ्रूट से जाकर के ह्यूमन कंजप्शन में जाता है। तो ये बैक्टीरिया का अगर हम स्प्रे करते हैं या हम जो अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है और उसको एंटी टॉक्सिक बनाता है। जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक बनेगा, टॉक्सिक में रेजिडुअल्स होते हैं, रेजिडुअल उस रेजिड्यू को, रेजिडुअल इफेक्ट को कम करता है और उसको एंटी टॉक्सिक के रूप में प्रेजेंट करता है। सोलुबलाइजर, ये बैक्टीरिया है जो सोलुबलाइजर के रूप में भी काम करता है। तो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को सोलुबल बनाता है और ये फास्फोरस को सोलुबल बना करके उसको सोल्यूट करके उसमें जो सोयल्स होती है सोयल में जा करके फिक्स करता है। तो ये इसका जनरल इम्पोर्टेंस है जिसको हम ये देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस बैक्टीरिया का जो इस बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। तो आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर ये इसका हम सबसे पहले होस्ट प्लांट का सिलेक्शन करते हैं कि हमारा ये होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट कहाँ पर है और किस टाइप का हमें स्पेसीज का हमें आइसोलेट करना है। तो पहले आप उससे पहले हम डिटेल से स्टडी होना चाहिए कि किस प्रकार की क्रॉप में कौन सी टाइप के एजेस पैरेलम की स्पेसीज का अटैक होता है, तो उसी हिसाब से हम उस प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, उस प्लांट के वहां से जो रूट सहित होता है, रूट सहित उसको निकालते हैं। तो जो उसका जो ये सबसे पहले आइसोलेट करना, कैसे आइसोलेट करते हैं इस बैक्टीरिया को, हम अगर आइसोलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट होता है प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, आपने कौन सी स्पीसीज का सिलेक्शन करना है, कौन सी स्पीसीज को आपको आइसोलेट करना है और इसका जो शेप है, साइज है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ों का आपको स्टडी होना चाहिए। तो प्लांट्स सबसे पहले प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद उसको वॉश आउट करते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं। वॉश आउट करने के बाद जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जो आपने जैसे व्हीट है, राइस है, बार्ले है, जो भी प्लांट्स है उसके प्लांट्स को रूट्स सहित पूरा का पूरा उखाड़ लेते हैं और उसके साथ में अपना जो मिट्टी वगैरह होती है उसको अपना वॉश आउट कर लेते हैं। और वॉश आउट करने के बाद जो आपका रूट्स है, रूट्स को स्टरलाइज करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। जैसे स्टरलाइज करने के लिए HgNO3 से इसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद अब इसका जो रूट्स होता है, रूट्स के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, रूट्स को कट करते हैं, रूट्स के जो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं वो टुकड़े हम 0.5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर के रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, 1 सेंटीमीटर के रूट्स के टुकड़े करते हैं और फिर उनको जो स्टरलाइज के बाद उसको वॉश करते हैं, फिर से इसको वॉश करते हैं डिस्टिल वाटर से।
डिस्टिल वाटर से फिर इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर इसके जो अपने जो टुकड़े इनके जो टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को हम एगार एगार मीडिया में हम इसको रखते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको एगार एगार मीडिया में हम रखते हैं, और वहां पर इसका जो टेम्परेचर होता है, इसके जो इनक्यूबेटर होता है, एगार एगार मीडियम में रखने के बाद हम इसके जो जो इनक्यूबेटर जिसमें बैक्टीरिया को आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ करने के लिए उसी जो बैक्टीरिया इनक्यूबेटर लेते हैं, और बैक्टीरिया इनक्यूबेटर में लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहां पर फिक्स करते हैं, और ये टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो एजोस्पाइरिलम जहां पर ग्रोथ कर सकता है। तो उस टाइम पर ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने के लिए इस रेंज का टेम्परेचर हम वहां पर फिक्स करते हैं। और इसमें जो जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर इसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो इसके मॉइस्चर को भी हम बढ़ा देते हैं और 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं। और बाद में देखते हैं कि जो इस टाइप का बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जो आपका एगार एगार सोल्यूशन लिया हुआ है, एगार एगार या आपका जो एगार एगार मीडिया लिया हुआ है, एगार एगार मीडिया की एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर के हम देखते हैं कि नीचे बैठ जाता है ये एगार एगार मीडिया। मान ली पेट्रीडिश है, पेट्रीडिश का एगार एगार मीडिया है, इस एगार एगार मीडिया से हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया आकर के नीचे नीचे की तरफ आकर के बैठ जाता है, और उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम इस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद इस बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये जनरल आइसोलेशन के स्टेप है, जिसको हम सबसे पहले प्लांट्स के सिलेक्शन या उसके स्पेसीज का स्टडी करते हैं, और इसके बाद उसको जो जो भी आपने प्लांट्स लिया है उसको अगर रूट्स सही रूट्स में चूंकि सॉयल वगैरह भी आ जाती है तो उसको हम एक बार वॉश आउट करते हैं, फिर उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद उसका जो रूट्स होता है रूट्स को कट करते हैं, और फिर उसके जो रूट्स होते हैं रूट्स को फिर से वॉश आउट करते हैं डिस्टिल वाटर से, फिर एगार एगार मीडिया लेते हैं, और एगार एगार मीडिया में जो आपका पेट्रीडिस वगैरह होता है, पेट्रीडिस के एगार एगार मीडियम में उसको लेप लगाते हैं, और उसकी जो रूट्स होती है उसके रूट्स को हम रखते हैं। रखने के बाद उसका जो हम बैक्टीरियल इनक्यूबेटर में ले जाते हैं, जहां पर हम उसको 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और उसका मॉइस्चर लेवल हम बढ़ा देते हैं। और मॉइस्चर लेवल बढ़ाने के लिए इसके बाद जब आपने जो एगार एगार मीडिया लिया हुआ है, एगार एगार मीडिया में हम देखते हैं कि उसके नीचे ही ये बैक्टीरिया जाकर के फिक्स बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद ही जैसे ही नीचे बैठ जाता है उसे ब्लू कलर होता है, जिसमें हम ये उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसका जो आइसोलेशन होता है, इस आइसोलेशन के एक जनरल जो स्टेप्स थे। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें बायो फर्टिलाइजर बनाना होता है तो बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम कुछ कैरियर मिक्सचर होते हैं, कुछ कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स को हम लेते हैं। कैरियर्स हो गया जैसे वर्मी कंपोस्ट है, चारकोल है, वर्मी कंपोस्ट है, चारकोल है, एफवाईएम है, ऐसे टाइप्स का कुछ कैरियर्स लेते हैं। और कैरियर्स को हम जब आप इसके बाद जब हम आइसोलेट कर चुके होते हैं बैक्टीरिया को, तो आइसोलेट करने के बाद हम इसका मास मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बड़े लेवल पर हम इनका प्रोडक्शन करते हैं, और बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के बाद हम उसका उसको हम जब भी हम उसके जब कैरियर्स होते हैं उसके साथ में कुछ कैरियर्स मिलाते हैं। कैरियर्स आपके बर्मी कंपोस्ट, चारकोल, एफआईएम या और भी बहुत सारे कैरियर्स हैं जिसको हम ले करके उसमें हम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम उसको बाहर रिलीज कर देते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखिए जो एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आती हैं, काफी सारी स्पीसीज आती हैं जिसको हम ये अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसका सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी क्रॉप है, किस प्रकार के क्रॉप्स में किस टाइप्स का स्पीसीज इसमें प्रेजेंट होता है, तो उसी टाइप के स्पीसीज का सिलेक्शन करते हैं उसी टाइप की क्रॉप्स के लिए। फिर हम उसके स्पेसीज है, उसके स्पेसीज चूंकि जो पाउडर आपने ले जाते हैं, पाउडर वगैरह जो आपने बॉटल वगैरह लिक्विड में खरीदा हुआ है बायो फर्टिलाइजर का, उसमें सारा स्पेसीज वगैरह का डिटेल से दिया रहता है। तो हम जो एप्लीकेशन करने के लिए हम उसका सीड का एप्लीकेशन सीड ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ आप उसको जनरल टॉप ड्रेसिंग भी दे सकते हैं। तो हम ये चीज का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो मान लीजिए एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम आपका 1 किलोग्राम एजोस्पाइरिलम लेते हैं, 1 किलोग्राम एजोस्पाइरिलम को आपका 40
लीटर पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं 40 लीटर, वाटर लेते हैं 40 लीटर वाटर, और 1 किलोग्राम आपका एजो स्पाइरिलम का लिक्विड लेते हैं, जिसमें हम इसका लिक्विड बना करके, सोल्यूशन बना करके, इसके बाद उसका हम टॉप ड्रेसिंग दे सकते हैं।